रास्ते पीछे ये है ढाका की आसान मंजिल, इसको पिंक किला भी बोलते हैं क्योंकि इसका कलर पिंक है। ये नवाब ऑफ ढाका, ढाका का जो नवाब थे इनका घर था। बंगाल का जो नवाब थे पहले अलीवर्दी खान, उन्होंने ये एक फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। उन्होंने इसका रेनोवेशन किया और अंदर एक फ्रेंच म्यूजियम भी है, एक फ्रेंच ट्रेडिंग आउटपोस्ट भी था ढाका पहले उन दिनों। फिर फ्रेंच वालों ने इसको बेच दिया ढाका का जो नवाब है उनको। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ख्वाजा अमीनुल्ला खान को बेच दिया। वो थे तब ढाका के नवाब ऑफ ढाका। तो वो यहाँ पे रहते थे, इनका म्यूजियम भी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक म्यूजियम है। इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग, यू कैन सी, इट्स ऑल इन पिंक एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स प्रॉबली द मोस्ट विजिटेड साइट इन ढाका। ढाका आओ और ये ना देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अमीनुल्ला खान बहुत ही शाही अंदाज से जीते थे और काफ़ी रईस आदमी थे, रिच थे, पैसे वाले थे, और बंगाल तब सीट ऑफ पावर था पूरे इंडिया का, पूरे ग्रेटर इंडिया का, एंड द बंगाल प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द ब्रिटिश इंडिया वॉज वेरी रिच। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा नवाब अमीनुल्ला खान के पास था। फिर मैंने जो हिस्ट्री अभी नेट पे पढ़ा वो उसमें कह रहा है कि एक टोर्नेडो समवेयर इन द 20th सेंचुरी 1930s में, एक 30s या 20s में एक टोर्नेडो आई और ये पूरा जो आसान मंजिल है इसको तबाह कर दिया। फिर 1985 में गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि इसका रेनोवेशन किया जाए। तो रेनोवेट करने के बाद इसको पूरा पिंक कलर दे दिया। इनिशियली इसका कलर पिंक नहीं था लेकिन अभी इसको पूरा पिंक कलर दे दिया है। एंट्री फी बांग्लादेशी सिटीजन के लिए 40 रुपये, सार्क कंट्रीज के लिए 300 और नॉन सार्क फॉरेनर्स के लिए 500। लेकिन एक प्रोटिप तो, अगर आपको बंगाली आती है ना, बंगाली बोलिए, 40 रुपये का डोमेस्टिक फीस जो है, टिकट प्राइस वो लीजिए। मैं गया सीधा बंगाली में पूछा, 40 रुपये का टिकट, 300 रुपये क्यों दूँ? इस वक्त तो पानाम सिटी सोनारगांव में, ढाका से 30 किलोमीटर दूर साउथ में मेघना नदी के किनारे, जो एक टाइम पे बंगाल का राजधानी हुआ करता था, इट वाज द कैपिटल ऑफ एंशियंट बंगाल। 1000 साल पुराना शहर है, अभी रुइंस है। राजा दशरथ देव एक हिंदू राजा ने इस शहर का प्रतिष्ठा किया था और काफ़ी टाइम तक ये एक बिजनेस हब रहा क्योंकि ये पास में ही नदी है, इसीलिए यहाँ पे बिजनेस हब बना। दिल्ली सल्तनत का वफादार था बंगाल सूबा। जब दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल्स आए, बंगाल के नवाब्स मुग़लों के वफादार थे। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स आपको मिलेंगे ये मुग़ल, हिंदू और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर है। सोनारगांव प्राचीन काल से एक बिजनेस हब रहा, यहाँ से पर्शिया, अरब, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और अफ्रीका से भी ट्रेड होता था। ये जो पास में एक हार्बर है, एक पोर्ट है, शिप्स यूज टू गो फ्रॉम अरबिया टू मलाय पेनिनसुला, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम पर्शिया टू फ्रॉम अफ्रीका, ऑल यूज टू कम टू बंगाल, कमेंस देयर
business, commence their trade, and then leave in ships. It was a main shipping center, a center for maritime business, a center for art, culture. So it is also one of the four major capitals of Bengal. एक ऐसा गोड़ में है जो मालदा जिला में, वेस्ट बंगाल में, जो कि अभी रुइंस है. सिमिलरली ऐसा ये सोनार गांव है, और कोलकाता के पास एक जगह है आदिशप्तोग्राम, वो एक है, और एक है मिदनापुर में कोलकाता के पास ताम्रलिप्तो. तो ये चार मेजर सेंटर्स था प्राचीन बंगाल का. तो उसमें से तीन तो इंडिया में ही है, एक बांग्लादेश में है, उसका नाम है सोनार गांव. यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे आपको मोस्टली हिंदू नाम मिलेंगे. काशीनाथ भवन एक है, कुछ जगह पे हरे राम हरे कृष्ण लिखा हुआ है. तो आप समझ सकते हो कि हिंदू ट्रेडर्स इस शहर को बनाया था. उसके बाद मुगल ज़माने के टाइम मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, फिर बाद में ब्रिटिश, सब लोग आए, और ये एक बहुत ही बिजी और बहुत ही एक रईस शहर हुआ करता था, जो पूरे दुनिया के साथ बिजनेस करता था. पूरी दुनिया से व्यापारी यहाँ आके बिजनेस करते थे. और हाँ, ये सिल्क रूट का भी पार्ट था, मेरीटाइम सिल्क रूट. आपको अजरबैजान में दिखाया था कैरावन सराई, वो था लैंड बेस्ड सिल्क रूट, और ये था रिवर एंड सी बेस्ड सिल्क रूट. सिल्क, स्पाइसेस, ये सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, और सबका बेस था सोनार गांव. 52 बिल्डिंग्स है, आज मोस्टली रुइंस है, कुछ भी नहीं है. एक रोड है, आप चले जाए इस रोड से, और बीच में आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स मिलेंगे, हिंदुओं के बिल्डिंग्स, मुस्लिम्स के बिल्डिंग्स, सब है यहाँ पे. रुइंस है, अच्छा लगेगा यहाँ पे आके. एंट्री फ्री है 15 टका फॉर बांग्लादेशीज, और फॉरेनर्स के लिए 100 टका. लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं भी बंगाली बोल के यहाँ पे 15 टका में 3 टिकट ले लिया, मैं और अपने पेरेंट्स के लिए. तो अगर आपको बंगाली आती हो, सुमड़ी में कर लीजिए. आइडिलिक पीसफुल विलेज सेटिंग जो कहते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेगा सोनार गांव में. और सच पे ही जब सनसेट के टाइम अगर आप आओगे, अभी 4 बज रहे, अभी सूरज ढलने लगा है, सूरज की रोशनी कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर जब गिर रही है, तब लग रहा है कि सच में कि इट्स गोल्डन, कि ये सोने से बना हो, इसीलिए सोनार गांव शायद. और यहाँ पे जो ज़मींदार लोग थे, ये कोई कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे. इन लोगों को एक साथ बारो भुइयाँ बोलते थे. 12 भुइयाँ मीन्स 12. उसमें से सबसे रिच और रईस ज़मींदार थे ईसा खान. यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है ईसा खान के तहत और उनकी स्पॉन्सरशिप से ही बनी है.